हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहे हैं जो बहुत से बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है, जिसका नाम है तोदरी। तोदरी एक ऐसी आयुर्वेद औषधि है। तोदरी तीन तरह की होती है, लेकिन इसमें पीले बीज वाली तोदरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। पीले बीज वाली तोदरी गुड़ों में श्रेष्ठ मानी जाती है। तोदरी किन किन बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। तो दोस्तों, तोदरी क्या है, कौन कौन से बीमारियों में फ़ायदेमंद है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, हमारे आयुर्वेदिक नर्सरी चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि तोदरी है क्या चीज़। तो दोस्तों, तोदरी सफ़ेद, लाल और पीले बीजों के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है। पीले बीज वाली तोदरी गुड़ों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह 30 सेंटीमीटर ऊंचा लघु आकारी कांटा वाला सकी पौधा होता है। इसके पत्ते लंबे तथा संकीर्ण होते हैं। इसके फूल उभयलिंगी छोटे सफ़ेद रंग के सहपत्र रहित ब्रह्मदल 0.71 मिलीमीटर लंबे दल 1-1.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इसके बीज मसूर के दाने के समान होते हैं, किंतु बहुत छोटे तथा चपटे 2.5 मिलीमीटर लंबे शीर्ष पर पक्षयुक्त होते हैं। बीजों को पानी में भिगोने से लुआब उत्पन्न होता है। इसकी फलियां बहुत छोटी होती है। इसका पुष्पकाल अप्रैल से अगस्त तक होता है। तो दोस्तों, तोदरी का अन्य भाषाओं में नाम जान लेते हैं। तोदरी का वनस्पतिक नाम लेबडियम वार्जिनिकम है और इसको अंग्रेजी में पीपर ग्रास बोलते हैं, पेपर ग्रास कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तोदरी और किन किन नामों से जानी जाती है। हिंदी में तोदरी सफ़ेद तोदरी होती है, उर्दू में तुदरी होती है, इंग्लिश में पेपर वीड होता है, अरबी में तुदारंज तुथारी होता है और पर्शियन में तुदारी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं तोदरी के औषधीय गुण क्या क्या हैं। तोदरी प्राकृतिक से कड़वी, गर्म, गुरु, पिच्छ, छल, सर तथा कफ और वात को कम करने वाली होती है। यह खांसी, सांस संबंधी समस्या, दुर्बलता तथा मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभप्रद होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं तोदरी के फायदे और उसके उपयोग के बारे में। तोदरी के पौष्टिकता के आधार पर इसके बहुत सारे औषधीय परक गुण भी हैं, जो बहुत सारे बीमारियों के लिए इलाज के रूप में काम करते हैं। अधपुष्पी किन किन बीमारियों के लिए कैसे काम करते हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्वास नली के सूजन को कम करने में सहायक है तोदरी। यदि मौसम के बदलाव के कारण श्वासनिका में सूजन होती है तो तोदरी के बीजों का फांट बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से श्वासनिका शोध में लाभ होता है। अतिसार या दस्त को रोकने में फायदेमंद है तोदरी। असंतुलित खान पान या किसी संक्रमण के कारण यदि दस्त की समस्या हो रही है तो तोदरी के पंचांग का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से जीर्ण अतिसार में लाभ होता है। रक्त में या पेशाब में खून आने की बीमारी। पेशाब से खून निकलने पर यदि कोई इलाज काम नहीं आ रहा है तो तोदरी पंचांग का फांट या काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से रक्तमेह में लाभ होता है। अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन होता है तो तोदरी का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से मूत्रकृच में लाभ होता है।
पू में या सूजा में फ़ायदेमंद तोदरी। 7 ग्राम सतावरी, मूसली, केवाश, तोदरी, ताल मखाना, प्रवाल, पिष्टी तथा रजत भस्म। 6 ग्राम विदारी कंद, छोटी इलायची, गोखरू तथा मुस्ता। 3 ग्राम सालिम शिलाजीत। 6 ग्राम कंकोल तथा मोचरस। 12 ग्राम वंग भस्म तथा लगभग 200 ग्राम मिश्री के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में दाढ़मी शर्करा के साथ सेवन करने से पूह में तथा पित्तज प्रमेह में लाभ होता है। आमवत या गठिया के दर्द से दिलाए राहत तोदरी। तोदरी का औषधीय गुण गठिया के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। तोदरी पंचांग को पीसकर लगाने से आपवात में लाभ होता है। इसके अलावा तोदरी के फूलों को जैतून या तिल के तेल में पकाकर छानकर तेल की मालिश करने से संधिवाद में लाभ होता है। कमजोरी दूर करने में फ़ायदेमंद। 2 या 3 ग्राम तोदरी चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से कमजोरी दूर होती है तथा शरीर को पुष्टि मिलती है। सूजन को कम करने में लाभकारी है तोदरी। सूजन को कम करने के लिए तोदरी को पीसकर लेप करने से सूजन एवं घाव को ठीक करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं तोदरी के उपयोगी भाग क्या क्या हैं। आयुर्वेद के अनुसार तोदरी का औषधीय गुण इसके भागों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में मिलता है हम बता रहे हैं। पत्ते में, बीज में या फूल में, इन तीनों चीज़ों में तोदरी का उपयोग भाग मौजूद रहता है। आप इन तीनों चीज़ों का यूज कर सकते हैं। यदि आप किसी खास बीमारी के घरेलू इलाज के लिए तोदरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। चिकित्सा की सलाह के अनुसार 3 से 6 ग्राम का सेवन कर सकते हैं। तोदरी कहाँ पाया या उगाया जाता है? यह विश्व में दक्षिण यूरोप से साइबेरिया तक तथा ईरान में प्राप्त होता है। भारत में मुख्यतः हिमालय एवं पंजाब में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे तोदरी के फ़ायदे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।